गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 33 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप सबने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये सारा यहाँ तक का बता दिया था। आज मैं 23 आपको बता रही हूँ। मल्टीप्लाई दिस वन बाय 5, राइट डाउन द प्रोडक्ट ओरली व्हेन दिस वन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 50, 500, 0.5 and 0.05। आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है 6.896, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सेम नंबर है, इसको हमें 50 से, 500 से, 0.5 से और 0.05 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही शो करना है, मैं आपको करके बताती हूँ। एक्सरसाइज 23, क्लास वर्क लिखिए, आज का आपका डेट है 21। सिक्स पॉइंट एट नाइन सिक्स बाई फाइव, मल्टीप्लाई लिख लो, 6.896 मल्टीप्लाई 5, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम भी वहाँ पर 1, 2 and 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई 5 से कर लिया। अब हमें सेम मल्टी नंबर हमारा सेम है, इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखेंगे 6.896 मल्टीप्लाई 50। अब जो हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट नंबर तो सेम आएगा, सिर्फ हमारा डेसिमल लगाने का फिर आंसर अलग होगा। 3, 4, 4, 8, 0 और एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा इस 50 का, ओके। अब हम 3 डिजिट का डेसिमल यहाँ लगा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आया, 3, 4, 4.8 इज द आंसर। इसी तरीके से आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। सारे मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, लेकिन इसमें 2 डिजिट के बाद है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4, 6.896 मल्टीप्लाई 0.05, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, बट हमारा डेसिमल अलग अलग जगहों पर आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। इसमें हमारा 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और इसमें 2 डिजिट के बाद, तो हमारा कितना हो गया टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा यहाँ डेसिमल कहाँ आएगा, 1, 2, 3, 4 and 5 इक्वल टू 0.3448। अब आप पूछोगे ये जीरो कहाँ से आया, जीरो सिर्फ इसलिए लगाया है कि यहाँ इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने जीरो लगा दिया ताकि आपका डेसिमल अच्छे से दिखाई दे आपको, ओके। तो इसके बीच में ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं कि आप कंप्लीट करेंगे, और ये जो नीचे के फिलअप्स हैं 24 नंबर के, ये आपका मल्टीप्लाई करके इसमें भी सिर्फ डेसिमल ही लगाने का आपको है, मल्टीप्लाई आपको करना है खुद से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कॉपी में, और कॉपी में ही करेंगे आप, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, आपको पूरे प्रोसेस से कॉपी में करके शो करना है, ठीक है। तो अभी आप ये क्लास वर्क में कंप्लीट करेंगे, मैं तब तक 25, 26, 27 and 28 आपको एक बार समझा देती हूँ।